स्वतंत्र भारत का राष्ट्रध्वज कैसा हो, इसके लिए कमेटी बैठी। उस कमेटी के सामने डॉक्टर अंबेडकर साहब की यही सिफारिश थी कि एक रंग का ध्वज होना चाहिए और इस देश की जनता को प्राचीन समय से परिचित और उसके द्वारा अत्यंत श्रद्धा से सम्मानित और भारतवर्ष का जो वैशिष्ट्य है विविधता में एकता के आधार पर सर्वत्र संतुलन सिखाने वाला धर्म, उस धर्म का प्रतीक धर्म ध्वज भगवा ध्वज, यही भारत का राष्ट्रध्वज होना चाहिए। समिति ने एक मत से उस सिफारिश को स्वीकार किया और सिफारिश कर दी। बाद में कुछ विचार होगा तो तीन रंग का अपना ध्वज बना। वो आज अपने भारत का राष्ट्रध्वज इस नाते हम फहराते, उसके भी मूर्धन्य स्थान पर इसी रंग को रखा गया। इस रंग का एक महत्व है, परंपरा से यह अपने यहां त्याग का रंग माना जाता है। सूर्योदय के समय क्षितिज पर इसी रंगों को देखते हैं और हम लोग जाग जाते हैं, दिन हुआ अब सोए मत रहो, काम करो। सारे दुनिया की ठिठुराती हुई ठंड को निकालकर उसमें सबको कर्मशील करने वाली उष्णता ऊर्जा भरने का काम करने वाला सूर्य, उसके सूर्योदय का स्वागत करने वाला यही रंग है। और हमारे देश के संपूर्ण इतिहास का साक्षी, हमारे महापुरुषों के पुण्य जीवन का प्रतीक, ऐसा यह सबके द्वारा सम्मानित भगवा ध्वज। डॉक्टर साहब ने कहा यह तत्व का प्रतीक झंडा है, इसको हम गुरु मानते हैं।